तो जब तीन दिल्ली वाले एक साथ हुए <laughs> ने ने उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया सब ठीक तो था उसके बाद फिर दस साल बाद भिड़ गए वो तो पार्किंग में लड़ाई हुई तो लखनऊ वाला कांड जो हुआ था लखनऊ में फिर बैंगलोर में खूब आईपीएल में चला था एल और आरसीबी के बीच में तो विराट कोहली के आसपास कई बार आप रहे हैं हम लोग दिल्ली के ही है बातचीत करते रहते हैं पंजाबी हरियाणवी हिंदी चलती रहती है तो जब तीन दिल्ली वाले एक साथ हुए <laughs> हाँ जी, हाँ जी। हालांकि अब तो भाईचारा ऑन टॉप चल रहा है तब भी टॉप ही था यार ये तो आप लोग हाँ सही कह रहे हो सर हमने तो लड़वाया था जाके वहां पे नहीं नहीं उसके बाद दोनों ने हाथ मिला लिया सब ठीक तो था उसके बाद फिर दस साल बाद भिड़ गए वो तो पार्किंग में लड़ाई हुई पार्किंग की लड़ाई क्या होती है आप ग्राउंड के बाहर

के के आर आर सी शुरू हुई इस बार भी गंभीर ने दिया था कि हराने मजा आता है <laughs> तो, sure किसी ने शॉट मारा दूसरे ने कैच पकड़ा और नॉर्मल सेलिब्रेशन टाइप था एक तो इतनी नॉइज होती है ना कई बार आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगता क्योंकि हम लोग अपने उसमें रहते हैं और थोड़ा क्लोज आया फिर हम लोगों ने हटा दिया फिर वो चले गए बट आप लोगों को तो मजा आता होगा ऐसे कैरेक्टर्स के आसपास रह के नहीं बल्कि अब एक्चुअली जलने में आइडिया रहता है कि अब क्या होने वाला है बहुत क्योंकि क्या होता है कि अचानक तो बड़े कम काम होते हैं धीरे धीरे बन रहा होता है माहौल बनता है धीरे 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 तो हल्का सा आइडिया ना शुरू होता है कि भाई उधर ही रहो और अंपायर को ना जल्दी से इस जगह चले जाना चाहिए खुद पर्सनली क्योंकि क्या होगा वहाँ विजिबल रहोगे ना प्लेयरों के बीच में तो एक लिमिट से ज्यादा होती नहीं है और यार थोड़ा बहुत अग्रेशन होता ही है ना क्रिकेट जैसे ये लखनऊ वाला कांड जो हुआ तो था लखनऊ में फिर बैंगलोर में खूब आई में चला था

अब जैसे दिल्ली वालों को लेके मशहूर है कि दिल्ली वाले उनके लिए गाली गाली नहीं हो दिल्ली नहीं जब आप दिल्ली कहते हो तो मैं इसको नॉर्थ कहता हूँ हाँ ये नॉर्थ और सेंट्रल का बिहेवियर ऐसा है सारी लड़ाइयाँ तो हमारी साइड ही हुई हैं बाकी जगह तो हम तो फिर वैसे ही रहता ना उनका अपफ्रंट भी होते हैं साफ बोलते हैं अंदर कुछ रहता नहीं तो उसको कोई लड़ाई कह ले या उसको साफ बोलना कह लो वो तो हमारे कल्चर में ही है तो जैसे रोहित शर्मा वाला हुआ कि कोई गार्डन में नहीं घूमेगा ठीक है ना मैच में तो रहना चाहिए ना यार ऐसे अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर कैसे होगा अगर आप मैच में इन्वॉल्व हो तो थोड़ी बहुत रिएक्शन तो आएगी ना आपकी आ, आप आपके आप इंडियन प्लेयर्स में जो अभी इंडियन लॉट है जब आप अंपायरिंग करते तो, हो आईपीएल में हुँ, में में या इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज आपने इनमें सबसे किससे किया वो विराट कोहली वाला दिल्ली वाला या रोहित शर्मा का बॉम्बे वाला कल्चर क्योंकि कई लोगों को बड़ा ऑफवर्ड जैसे नीतीश राणा का इंटरव्यू दे रहा था मैं जिससे जब मैंने पहली बार इतनी गाली सुनी मैंने कहा झेल कैसे लेते देन आई रियलाइज की नहीं नहीं ये इनका कल्चर है जिसमें सब खुश है बॉम्बे का स्टाइल ही एक्चुअली बॉम्बे में ना तू करके तो बात करते हैं नॉर्मल स्टाइल है तो जो जाता रहता ट्रेवल करता है उसको

बस सबको ये पता होना चाहिए कि कब कहना है और किसी का मीनिंग चेंज ना हो गलत टाइम पे यूज़ ना करो बस इतना ही है बाकी आदमी जब नेचुरल होता है तो जो जो उसकी मदर टंग है वो निकलता ही है ना मुँह से अब वो नकली ज़िंदगी जीनी तो जीते रहो उससे ना तो आप प्लेयर अच्छे रहोगे और दिखावटी एक्टिंग करके आप थोड़े ना शरीफ हो जाते हो और किसी ने कोई साफ बात कह दी तो क्या है बस सबको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए हमेशा मैं कहता हूँ हर एक चीज़ का बॉर्डर है उससे आगे मत जाओ और आउटडोर गेम अभी थोड़ा अग्रेशन तो रहता ही है नहीं तो फिर टाई लगा के तो खेलेंगे देख रहे लो सर मैं आ गया आप बॉलिंग करो मैं बैटिंग करूंगा फिर वो बैटिंग करेगा सर अच्छा मैं बॉल उठा लेता ऐसे थोड़ी क्रिकेट होगी आउटडोर है भाई पसीना पाते हैं लोग एक बॉल आती है फिर आदमी शॉट खेलता है एक लाख आदमी रहे होते हैं सब मशीनें थोड़ी खेल रहे हैं आदमी खेल रहे हैं बस सबको मैं हमेशा कहता हूँ कि ठीक है ये लिमिट से आगे नहीं दैट्स